हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 11th। और लेक्चर नंबर 10th में हमने की थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, और आज भी हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स करेंगे। 6 रिएक्शंस ऑलरेडी हमारी हो चुकी थी और 6 रिएक्शंस हमारी बची हुई हैं। अब उन रिएक्शंस को हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दे रहे हो मुझे और मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, अनबिलीवेबल है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अपनी खुशी को। थैंक यू सो मच, और कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स लगातार आपने ऐसे देते रहिए, धन्यवाद। देखो मेरे चेहरे पर आज खुशी अलग ही है, आज मैं ज़्यादा ही खुश हूँ। मतलब छोटे छोटे अचीवमेंट खुशी देते हैं, तो मुझे खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच यार। देखो आज मैं खुशी में क्यूट भी लग रहा हूँ। बच्चे बोल रहे हैं सर कि सर आज जो ऑफलाइन बच्चे ऑफलाइन पढ़ते बैच, तो उनके सामने हुआ था ये, मैंने लाइव काउंट किया था यहाँ पर, तो वो बोल रहे थे कि सर इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो कि क्यूट लग रहे हो। इतना ज़्यादा खुश तो मैं अपनी शादी पे भी नहीं होने का जितना आज हो रहा। सच बात है यार, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। मतलब मेहनत का रिजल्ट मिलता है ना, जब ये सब्सक्राइबर ही तो हमारी मेहनत है। थैंक यू सो मच यार, ऐसे शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। जो मुझसे हो पाएगा, जो भी बेस्ट है आपके लिए, वो मैं करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। इस टाइम भी 12 बजे हैं रात के, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास दिन में सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता एक मिनट का भी कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। टाइम दिखा दूँ अगर आपको, टाइम दिखा पाऊँ तो मैं यहाँ पर छुपा देता हूँ मैं टाइम, जिससे कि आपको पता ना चले टाइम क्या हो रहा है। देखूँ अगर टाइम आ जाए तो, आ गया ये रहा टाइम, 12:06 हो गई, 29 तारीख थी, 30 हो गई अभी। तो भाई रोज़ एक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके लिए, रोज़ एक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और अब हमारा 2-3 लेक्चर में ये वाला चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, फिर आगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश्ड हो जाएगी। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी बात मान लो प्लीज़। जब भी आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख रहे हो, उस लेक्चर को बीच में से मत देखना कभी भी। लेक्चर को आप बिल्कुल, जो भी चैप्टर आपने स्टार्ट किया हो, बिल्कुल उसका फर्स्ट लेक्चर देखना है। सपोज़ करो आपने अल्कोहल फिनोल ईथर्स देखना है, तो अगर उससे पहले आपने हेलोल्केन्स हेलोरिन्स देखा नहीं है तो पहले उसे देखना, और अगर देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर देना। और अगर आपने इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो सेकंड स्टार्ट मत करना। कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सीरीज से पढ़ना, जैसे आपकी बुक में है। कभी भी ये गलती मत करना कि कोई सा भी लेक्चर उठा के पढ़ने लग गए। दूसरी बात, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, नोट्स ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नोट्स आपको परफेक्शन दिलाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आप कामयाब होगे, आपकी मेहनत कामयाब होगी, तो मुझे खुद कामयाबी मिल जाएगी। मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी में छुपी हुई है, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी के दरवाजे खोलेगी। जब 4 लोगों से आप ये बोलोगे कि केमिस्ट्री मैंने कुलदीप सर से पढ़ी है, तो मैं अपने आप कामयाब हो जाऊंगा। वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, वही मेरी कमाई है। आपको मैं बताऊं, मेरे पास बहुत अच्छा ऑफ़र है, एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा ऑफ़र है, बहुत अच्छा पैकेज है। लेकिन मैं अब जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, बहुत सोच समझ के मैंने अभी डिसीजन लिया कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे कोचिंग से ऑफ़र है, पर मैं नहीं ज्वाइन करूँगा, जस्ट बिकॉज मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया हुआ है, अब मैं इसे बीच में छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने वो ज्वाइन कर लिया तो मुझे बंद करना पड़ेगा 100%, क्योंकि वो साइन कराएंगे मुझसे कि मैं अदर किसी सोर्सेज पर अपनी क्लासेस नहीं लूँगा। तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस सब बंद करनी पड़ेंगी। तो मैं कम कमा लूँगा, मुझे पैसे से ज़्यादा आपके फ्यूचर की और अपने, जो आपसे मेरे प्यार है, जो आपसे लगाव है, उसकी बात कुछ और है। मुझे बहुत ही ज़्यादा आपसे लगाव है कि आप मेरे साथ इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो,
तो मैं आपको बीच में नहीं छोड़ सकता, बस ये बात है। अदरवाइज बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बल्कि नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बट आपके लिए नहीं करेंगे ज्वाइन। तो देखते हैं, मेरा ये डिसीजन गलत होता है सही होता है ये तो समय बताएगा। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये डिसीजन खुद लिया है और मैंने अपने बच्चों पे भरोसा करके लिया, और मेरे बच्चे मुझे कभी धोखा देते ही नहीं है, अभी तक तो दिया नहीं आज तक। चलो भाई देखते हैं हम। तो इस लेक्चर को नहीं, इस चैप्टर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, अल्कोहल पार्ट वन, फिनोल पार्ट टू, ईथर पार्ट थ्री। तो अल्कोहल पार्ट वन फिनिश्ड हो गया था, फिनोल पार्ट टू हमारा चल रहा था। फिनोल में मैंने प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करा दी थी, और एक लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी करा दी थी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी करा दी थी मैंने, सबसे पहले कराई थी रिएक्शन विद सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन अगर आपको करानी पड़ जाए फिनोल की, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। दिस इज फिनोल, दिस इज सोडियम मेटल एंड दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। प्लस हाइड्रोजन गैस एंड दिस रिएक्शन प्रूव दैट फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। नंबर टू, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। चलो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, सेम रिएक्शन बनेगी, क्योंकि फिनोल एसिडिक होता है नेचर में। क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि ये स्टेबल फिनोक्साइड आयन बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, और स्टेबल फिनोक्साइड आयन बनाएगा मतलब प्रोटॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा तो मतलब एसिडिक के नेचर में। तो फिनोल इज एसिडिक के नेचर, फिनोल इज एसिडिक के नेचर, तो कैसे प्रूव करोगे, सोडियम से रिएक्शन करा देना और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देना। एक दो रिएक्शन हो गई, रिएक्शन नंबर थर्ड हेलोजिनेशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। हेलोजिनेशन मैंने दो कराई थी, नंबर वन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो फिनोल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे आप, तो फिनोल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो TBP बनेगा, ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है बेटा, लेकिन अगर फिनोल की ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे आप CH2 के प्रेजेंस में, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल प्लस पैरा ब्रोमोफिनोल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में ये फिनोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, आयनाइज हो जाएगा फिनोल, तो फिनोक्साइड आयन एक्टिवेट कर देगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन को बेंजीन रिंग में, तो ज़्यादा एक्टिवेट करेगा तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट आयनाइज नहीं करेगा, तो फिनोक्साइड आयन मतलब इसका आयनाइजेशन बहुत ही स्मॉल मतलब ना के बराबर होगा, तो जिसकी वजह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो ये हो गए हमारे रिएक्शन नंबर थ्री। रिएक्शन नंबर फोर, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड,
रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ भी इसकी दो रिएक्शन है, एक तो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और एक है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे नाइट्रेशन तो बनेगा तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल प्लस पैरा नाइट्रो फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल पैरा नाइट्रो फिनोल, ये भी फिनोल है, ये नाइट्रिक एसिड है और ये है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा TNP, पिक्रिक एसिड, इसका नाम है 246 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल, 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल। कितनी हो गई भाई, 4। नंबर 5, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन की भी दो रिएक्शन थी, एक तो लो टेम्परेचर पर थी 20 डिग्री सेल्सियस पर, एक हाई टेम्परेचर पर थी 100 या 110 डिग्री सेल्सियस। तो चलो लो टेम्परेचर पर करते हैं। तो फिनोल का सल्फोनेशन करोगे तो लो टेम्परेचर पर बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और हाई टेम्परेचर पर बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कितनी हो गई भाई, 5th, 6th एंड लास्ट, 6th रिएक्शन एंड लास्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, फिनोल की रिएक्शन कराओ किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनोल पैरा मिथाइल फिनोल। इसको बैलेंस करूं, दो बेंजीन रिंग दो रिंग, दो CH3 दो, तो दो प्लस 2HCl, ये हो गए बैलेंस। मेजर कौन सा होगा, ये मेजर है, ठीक है। तो भाई ये रिएक्शन है हमारी, इसका एसाइलेशन भी करा सकते हो आप। एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसाइलेशन हो जाएगा, ये है भाई 6 रिएक्शन जो मैं करा चुका था ऑलरेडी, ठीक है। अब 6 रिएक्शन बचे आपके, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। 6th रिएक्शन तो है कपलिंग, 7th रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। 8th है कोलबे रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन। 9th है राइमर टाइमेन रिएक्शन, टेंथ है रिडक्शन, 11th है ऑक्सीडेशन एंड 12th है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन है टोटल, वैसे PCl5 से भी हो जाती है इसकी रिएक्शन, लेकिन वो ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है, क्योंकि फिनोल के अंदर ये ग्रुप होता है। OH
अब अल्कोहल में तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और ये वाला बॉन्ड भी, दो तरीके की रिएक्शन देते हैं अल्कोहल। फिनोल में ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, फिनोल में केवल ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने देखी होंगी, तो उसमें क्या आया था, ऑक्सीजन पे क्या था, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड था कि नहीं था? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉन्ड को। अब ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो गया, ज्यादा पावरफुल हो गया, अब जब इसे ब्रेक करना होगा तो हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो OH की रिएक्शन बनेगी नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होती है फिनोल में। फिनोल में ओनली होती है ये वाली रिएक्शन, इसलिए PCl5 की रिएक्शन तो OH ग्रुप की होती है ना, PCl5 में OH ग्रुप रिप्लेस होता है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ CH3OH प्लस PCl5 और यहाँ लिखूँ बेंजीन रिंग OH प्लस PCl5, तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, और इसमें नो रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा OH वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा, तो ये रिएक्शन PCl5 वाली होगी नहीं। केवल ये 6 रिएक्शन बची, इन्हें और बताता हूँ। नंबर सेवन कपलिंग रिएक्शन। When benzene diazonium chloride treated with phenol, benzene diazonium chloride treated with phenol, तो red orange dye is formed। तो फिनोल के टेस्ट के लिए हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं भाई। ये है वैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कपलिंग प्रोडक्ट बनेगा इससे, और ये है यहां पर फिनोल, ठीक है? तो यहां पे एच है ही, ये एच और सी एल क्या बना ले, एच सी एल। अब ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट जिसमें दो रिंग होगी कपल। अब इस प्रोडक्ट का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कैसी डाई है? रेड ऑरेंज डाई है, रेड ऑरेंज डाई। यह है कपलिंग रिएक्शन। तो याद रखना, कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, दो बेंजीन रिंग होगी, मतलब कपल प्रोडक्ट होगा, कपल बन जाएगा बेंजीन रिंग का। यहाँ पर अलग सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, दोनों की एक बन जाएगी। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन होता है, HNO2 के साथ रिएक्शन, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलो भाई, सेवंथ हो गया रिएक्शन, एट्थ, और इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं हम, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, नोट नंबर टू, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट फिनोल। तो इस रिएक्शन का यूज फिनोल को डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। फिनोल में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला दो तो अगर रेड कलर की डाई बनेगी तो इसका मतलब फिनोल है, अगर नहीं बनेगी तो नहीं है, ठीक है? इसकी येलो डाई बनती है एनिलीन के साथ, आगे बताऊंगा वो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर
रिएक्शन नंबर 8 कोलबे रिएक्शन। इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, इस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वैसे इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड होता है 2-hydroxybenzoic acid। इसका IUPAC नेम है 2-hydroxybenzoic acid। बनता कैसे है ये बताओ। तो वैन फिनोल हीटेड विद NaOH क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड। दो स्टेप की रिएक्शन है वैसे, तीन की है वैसे तो। सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड, पर आपके में इसका सिलेबस है, वो मैकेनिज्म है नहीं। दिस ऑन ट्रीटिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑन एसिडिफिकेशन टू गिव सैलिसाइलिक एसिड, टू गिव सैलिसाइलिक एसिड। तो देखो बेटा ध्यान से, ये है इस टाइम फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किससे करानी है? NaOH से। NaOH से इसलिए कराइए क्योंकि फिनोक्साइड आयन बन जाएगा और ये एक्टिवेट कर देगा ऑर्थो पोजिशन को फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो CO2 से रिएक्शन करेंगे, तो जब इसके CO2 से रिएक्शन करोगे आप तो भाई इलेक्ट्रोफाइल कौन है तुम्हारा? C+, तो ये बन जाएगा आपका O Na C O O O। इस पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या है? H+। अब यहाँ पे इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका अल्टीमेटली O Na C O O H। इसका एसिडिफिकेशन करा दोगे लास्ट में तो ये बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो कितने स्टेप की रिएक्शन हो गई? 1, 2, 3 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। तो तीनों स्टेप आपको याद रखने हैं, तीनों स्टेप याद रखने। कौन कौन से? नंबर 1 में तो फिनोल की रिएक्शन करोगे NaOH के साथ तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। नंबर 2 स्टेप में आप क्या काम करोगे? सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करोगे CO2 के साथ और नंबर 3 में सी इसका कर दोगे एसिडिफिकेशन HCl के साथ रिएक्शन या H2SO4 के साथ तो ये बन जाएगा OH CO OH। ये 3 स्टेप में हुई है वैसे रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे भाई। यहाँ से H+ निकलेगा या COO- इस पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पर तो ये बन जाएगा COH ग्रुप। एक तरीके से मैकेनिज्म भी इसी में ही है इसका, नोट कर लो बेटा। हो गए नोट? सात हो गए, 8 हो गए। नंबर 9। अच्छा 8th में एक चीज रह गई, 8th में एक चीज रह गई भाई। एक चीज है
उस कंपाउंड का नाम तुमने सुना होगा बहुत ज्यादा, एस्पिरिन। एस्पिरिन इज अ एंटीपायरेटिक ड्रग है ये, और जो बनता है सैलिसिलिक एसिड से, सो इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है फिनोल, अब ये है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दो, जैसे ही सैलिसिलिक की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओगे तो ये तो ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा CH3COO, और यहाँ से H चला जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस, यहाँ पे क्या बचा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड OCOCH3। O तो बचेगा फिर COCH3COOH, तो इसका नाम है एस्पिरिन। नोट कर लो इसे कोलबे रिएक्शन में। थक गया यार बहुत बुरी तरीके से। कितनी हो गई रिएक्शन? एक, दो, थर्ड, नाइन्थ, राइमर, टाइमेन, रिएक्शन। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है सैलिसाइल एल्डिहाइड। होता क्या है इसमें, होती है फिनोल की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ, तो क्या बन जाता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो व्हेन फिनोल हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस KOH या NaOH ले लो, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। चलो भाई देखते हैं कैसे बनता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। ले लो तो भाई फिनोल, हीट कर दो क्लोरोफॉर्म के साथ, एक्वस NaOH के साथ, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, बस फिनोल तो सेव रहेगा, यहां पर आ जाएगा CHO, जैसे वहां पे आया था ना COOH, ऐसे ही आ जाएगा CHO। देखो OH COH ये बिल्कुल सेम था, देखो ये बिल्कुल सेम थी रिएक्शन, फिनोल से क्या बन गया COOH। अब ऐसे ही यहां पे लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही, ये एक तरीके का इसका मैकेनिज्म है। वैसे मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा अलग है इससे, पर फिर भी जैसा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लगभग एक जैसा ही है। तो सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन होगी NaOH जो इसके अंदर अवेलेबल है, जिससे कि ये बनाएगा स्टेबल फिनोक्साइड आयन, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। अब क्लोरोफॉर्म में क्या है, Cl, CH, Cl2, तो Cl- बाहर निकल जाएगा और यहां से H, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहां पे, CHCl2 O Na CH Cl Cl।
अब इसका करा दो हाइड्रोलाइसिस, एक्वस एनएच के साथ। बहुत ही बढ़िया है ये रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो CH OH दोनों Cl बाहर निकल जाएंगे Na के साथ। अब एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, ये H2O लूज कर देगा यहाँ से। जब यहाँ से H2O लूज कर देगा तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड, सॉरी सैलिसाइलिल्डिहाइड। अब इसका करा दो एसिडिफिकेशन तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपका सैलिसाइलिल्डिहाइड। आंसर टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो समझ में आ गया होगा, पहले बेंजीन के एनएच से रिएक्शन करे, सोडियम फिनोक्साइड बना, यह क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें से Cl- बाहर निकल जाएगा H के साथ, HCl बाहर। तो जब यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बचा, CHCl2 इस पर अटैक करेगा CHCl, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोनों OH ग्रुप एक इस क्लोरीन को एक इस क्लोरीन को हटा देगा, 2NaCl यहाँ से बाहर। तो एक कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल है तो ये बन जाएगा CHO। अब इसका एसिडिफिकेशन करा दो, जब फिनोक्साइड का एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो फिनोल बन जाता है, ठीक है। तो ये है राइमर-टाइमिन रिएक्शन। नोट, इफ CCl4 इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्या बन जाएगा भाई, सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म, सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म्ड। तो बिल्कुल देखो सेम रिएक्शन होगी बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले ले लो फिनोल, फिनोल के रिएक्शन किससे कराओगे बेटा, NaOH से। चक्कर से आ रहे हैं यार पानी, एक सेकंड होल्ड करो यार, इतना आप नोट कर लो। हो गए भाई नोट, नींद आ रही थी पढ़ाते पढ़ाते, सॉरी। चलो बेटा देखो, फिनोल के एनएच से रिएक्शन करोगे क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, इधर से हाथ बैठेगा सही, सोडियम फिनोक्साइड। अब इसके रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से नहीं करानी, CCl4 से करानी है। तो CCl4 को मैं ऐसे लिख दूं, CCl3, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, Cl-। अब जैसे यहां से Cl- बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी बेंजीन रिंग, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा यहां से HCl बाहर। वैसे एक्यूरेट में तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता, यहां पे आता है तुम्हारा H। चलो कोई बात नहीं, समझा रहे हैं, O-Na+। मैकेनिज्म अलग चीज़ होती है, रिएक्शन अलग चीज़ होती है। तो ये रिएक्शन है, ये इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर CCl3, ठीक है। अब इस CCl3 के रिएक्शन जैसे ही NaOH से होगी, एक्वस एनएच तो है इसमें, तो ये बना देगा, ये एक साथ चार पांच स्टेप की रिएक्शन है, याद कर लेना, अच्छे से याद हो जाएगी, बार बार लिख के देखना, ठीक। इसकी रिएक्शन होगी 3NaOH के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3COH, तीनों क्लोरीन 3Na से बाहर निकल जाएंगे। एक कार्बन पे स्टेबल नहीं है, दो तीन OH ग्रुप, तो दो से तो बनता है एल्डिहाइड, वो भी कार्बोनाइल है, तीन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोनाइल है। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट
NaCOOH। अब इसका करा दो एसिडिफिकेशन। अब जैसे ही इसका एसिडिफिकेशन कराओगे तो ये वापस यहाँ फिनोलिक ग्रुप आ जाएगा और ये बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो याद रखना, राइमरटाइमेंस से सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसाइल्डिहाइड दोनों बन जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म, फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म प्लस प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? सैलिसाइल एल्डिहाइड। और अगर फिनोल की रिएक्शन करा दी CCl4 से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस NaOH, तो बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। वैसे आपको बता दूं, कोलबे रिएक्शन में केवल ये बनता है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलल्डिहाइड नहीं बनता है कोलबे में। कितने रिएक्शन हो गए टोटल पता नहीं कितनी हो गई, चलो 10 देखते हैं। रिडक्शन किससे होता है? जिंक डस्ट से। सो व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, तो क्या बन जाएगा भाई? फिनोल से बेंजीन इज फॉर्म्ड। ये बेंजीन को बनाने की एक तरीका भी है, बेंजीन इज फॉर्म्ड। तो देखो बेटा, ये है फिनोल। अब इसके रिएक्शन जिंक से करो, जिंक यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। और ये बन जाएगा बेंजीन। ये इसको ऐसे देखो, चलो बेंजीन रिंग क्या है? C6H5OH। तो जिंक के साथ हीट करोगे जब, तो जिंक यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा? रिडक्शन से बेंजीन। तो याद रखना, रिडक्शन करोगे तो बेंजीन बन जाएगा। रिएक्शन नंबर 11, ऑक्सीडेशन। तो डाइकीटोन बन जाएगा अगर ऑक्सीडेशन करेंगे हम फिनोल का। डाइकीटोन इज फॉर्म्ड और इस डाइकीटोन का नाम है बेंजोक्विनोन। तो देखो, ये है फिनोल। फिनोल का ऑक्सीडेशन कर दो बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो ये बन जाएगा भाई डाइकीटोन, इसी का नाम है बेंजोक्विनोन। 11 हो गए, 12। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, तो इसका आंसर क्या है भाई? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर है फिनोल्फथैलीन इज फॉर्म्ड। और फिनोल्फथैलीन क्या होता है? एसिड बेस इंडिकेटर। और ये फिनोल से ही बनता है। अगर एसिड में फिनोल्फथैलीन डालोगे आप, फिनोल्फथैलीन, तो क्या आएगा? नो कलर, कोई कलर नहीं। लेकिन बेस में डालोगे अगर फिनोल्फथैलीन को, पिंक कलर। तो ये है तुम्हारा फिनोल्फथैलीन। बनेगा कैसे? तो थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है ये। थैलिक एनहाइड्राइड को आप ट्रीट कर दो फिनोल के साथ, फिनोल क्या है? ये है फिनोल,
ये है फिनॉल का सेकंड मॉलिक्यूल, तो ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, H2O बाहर, तो ये बना तुम्हारा, ये जो स्ट्रक्चर बनी मैंने जो बनाई है CO, तो ये दोनों रिंग इससे जुड़ जाएंगी OH, यही है फिनोल्फथैलीन एसिड बेस इंडिकेटर, दिस इज फिनोल्फथैलीन एसिड बेस इंडिकेटर। यहाँ से कार्बन की दो वैलेंसी कम होगी, यहाँ पर इस कार्बन की एक कम होगी या इस कार्बन की एक कम होगी, तो ये इसके साथ आके यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, वो बन जाएगी फिनोल्फथैलीन। तो एक रिएक्शन ये मैं बता रहा था आपको PCl5 के साथ, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, ड्रास्टिक कंडीशन में होगी, क्योंकि OH ग्रुप की रिएक्शन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के और भी कई तरीके हैं फिनोल से, पहले फिनोल का रिडक्शन कर दो और फिनोल का रिडक्शन करने के बाद उसके रिएक्शन कर दो क्लोरीन के साथ, क्लोरीनेशन करा दो उसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी क्लास फिनोल की, और आज फिनोल हो गया हमारा ख़त्म, ये था लेक्चर नंबर 11। अब लेक्चर नंबर 12, 13 ये दोनों आएंगे हमारे ईथर्स के, और लेक्चर नंबर 14 जरूर आएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगी। तो अभी लेक्चर 3 और आएंगे और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार कर रहे हो हमारी, हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप दिल से धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।